हेलो दोस्तों, मैं ब्लू रंजन स्वागत करता हूं मेरा चैनल आईटीआई शॉर्टकट पर। बहुत सारा बच्चों का डाउट है कि हम सर क्या पढ़ाई करेंगे, टेक्निकल में क्या पढ़ाई करेंगे जैसे कि हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। ऐसे ही जैसे फिटर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, MMB हो गया, शीट मेटल, टर्नर, सबका डाउट रहता है। तो मैं एक आज कॉमन टॉपिक लेकर आया हूँ, कॉमन टॉपिक में क्या पढ़ना चाहिए और MMB में क्या पढ़ा है। स्पेशली आज MMB पर फोकस करेंगे, मोटर मैकेनिक व्हीकल। वो ITI का बच्चा हो सकता है, डिप्लोमा का हो सकता है, नहीं तो BTech लेवल का भी जो कोर्स आता है, जैसे मोटर मैकेनिकल बहुत सारा स्टेट का एग्जाम में पूछा जाता है मोटर मैकेनिक व्हीकल का, जो RTO ऑफिस में जो MMB का पोस्ट रहता है उसके बारे में भी हो सकता है। तो आज एक कॉमन टॉपिक डिस्कशन करेंगे, कॉमन क्या पूछा जाता है और MMB में क्या पूछा जाता है। कॉमन मतलब वो फिटर के लिए रहेगा, इलेक्ट्रिकल सब के लिए, ठीक है। तो पहले डिस्कशन करेंगे कि कॉमन टॉपिक जैसे MMB मोटर मैकेनिक व्हीकल, MMV सिलेबस। कॉमन टॉपिक्स देखिए, कॉमन टॉपिक्स जो है वो फिटर के लिए, मशीनिस्ट के लिए, शीट मेटल वर्कर के लिए, टर्नर के लिए, सब के लिए एक कॉमन टॉपिक है। ये सब ट्रेड में पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? पहले के हैंड टूल्स, जैसे हैंड टूल्स में क्या आएगा, फाइल आएगा, प्लायर्स आएगा, रेंच आएगा, हैक्सो फ्रेम आएगा, कटर आएगा, जैसे हैंड टूल्स हो गया, मशीन टूल्स में क्या क्या आएगा, लेद मशीन आएगा, ड्रिलिंग मशीन आएगा, मिलिंग मशीन आएगा, शेपिंग मशीन आएगा, सब मशीन टूल्स में आ जाएगा। थर्ड वन, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या आएगा, वर्नियर कैलिपर आ गया, माइक्रोमीटर आ गया, बहुत सारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सब कवर करेंगे। उसके बाद हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमैटिक। देखिए हाइड्रोलिक्स न्यूमैटिक में एक बेसिक डिफरेंस मैं बता देता हूँ। हाइड्रोलिक्स जो मतलब हाइड्रोलिक मतलब जो जैसे लिक्विड में चलता है वो हाइड्रोलिक, न्यूमैटिक जो एयर में एयर को कंप्रेस करके जो चला जाता है वो न्यूमैटिक हो गया। उसके लास्ट वन है बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक, बेसिक इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए बेसिक इलेक्ट्रिकल जो है ये मेन इम्पोर्टेंट है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो उसके बाद ये कॉमन टॉपिक्स आप फिटर्स का हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल का हो सकते हैं, सबका ये पूछा जाता है, मेनली पूछा जाता है MMV सबका। अभी हम MMV का, कुछ बच्चा मेरा को पूछ रहे थे कि सर MMV का क्या सिलेबस होना चाहिए, तो उसके लिए मैं एक लेकर आया हूँ सिलेबस जिसको मैं बता रहा हूँ। पहले हो गया इंजन, इंजन में क्या आएगा, टाइप्स आएगा, क्लासिफिकेशन एंड एप्लीकेशन, ये सब डिस्कशन करेंगे। उसके बाद आ गया इंजन कंपोनेंट्स, इंजन कंपोनेंट्स, इंजन का कंपोनेंट्स मतलब उसका पार्ट्स सब, ट्रांसमिशन सिस्टम, उसके बाद सस्पेंशन सिस्टम, देखिए ट्रांसमिशन जो सिस्टम है ना, ट्रांसमिशन सिस्टम में गियर बॉक्स आएगा, क्लच आएगा, क्लचेस, गियर बॉक्स क्लच बहुत इम्पोर्टेंट है ट्रांसमिशन,
सस्पेंशन सिस्टम हो गया, ब्रेकिंग सिस्टम, ब्रेकिंग सिस्टम, स्टीयरिंग सिस्टम, सॉरी SYST, देखिए इसमें मैनुअल हो सकता है, स्टीयरिंग सिस्टम, पावर, पावर दो प्रकार का आता है, एक हाइड्रोलिक आता है और एक मोटर ड्रिवन पावर स्टीयरिंग है। मोटर ड्रिवन पावर स्टीयरिंग बहुत एडवांस है, मैं ये फील्ड में ऑलरेडी मोटर ड्रिवन पावर स्टीयरिंग सेक्शन में काम कर चुका हूँ, ठीक है, तो इसको मैं बेहतर तरीके से आपको समझा सकता हूँ। उसके बाद हो गया कूलिंग सिस्टम, लुब्रिकेशन सिस्टम, और कूलिंग सिस्टम, लुब्रिकेशन सिस्टम, और अंत में डिस्कशन करेंगे फ्यूल, फ्यूल इग्निशन सिस्टम, सॉरी फ्यूल इग्निशन पॉल्यूशन, गैस, जो गैस एमिटिंग करता है, टायर ट्यूब सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। मैं सब एक्चुअल MMB एक पढ़ाई करेगा तो एक साल का कोर्स है, मगर इसमें मैं आपको 2 महीना का अंदर में सब कुछ, 2 महीना नहीं 1.5 महीना का अंदर में सब कुछ कवर करेगा। इसके साथ साथ जो फिटर का मशीनिस्ट और टर्नर सबका कोर्स कंप्लीट कराएगा, जो सब एग्जाम में पूछा जाता है। मैं मेरा पहले फोकस रहेगा ये जो कॉमन ट्रेड है इसको पहले कंप्लीट करेंगे, ठीक है, इसको कंप्लीट करेंगे। आप पूछेंगे सर ये सब कहाँ पूछा जाता है, रेलवे में पूछा जाता है, DRDO, इसरो, DRDO में बहुत, MMV को बहुत पूछा जाता है, MMV से, इसरो हो गया, हाल भेल, इस सब में बहुत सारा पूछा जाता है, जिसमें ITI डिप्लोमा लड़का के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सब टॉपिक में एक एक करके डिस्कशन होगा, इतना बढ़िया से डिस्कशन करेगा, आप एक बार पढ़ाई कीजिए उसके बाद आप समझ सकते हैं कि कितना बेहतर। MMV का तो कोई अभी सिलेबस YouTube में अवेलेबल नहीं है इतना बढ़िया से, आप देखिए पढ़ाई कीजिए। कल से शुरू करेंगे, एक एक टॉपिक करके जाएंगे, पहले एक कॉमन टॉपिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद MMV का सेपरेट, और फिटर सीट मेटल टर्नर मशीनिस्ट इन लोग का सेपरेट एक कोर्स चलाएंगे, Class 1 Class 2 ऐसे करे चलेंगे। पहले हम कॉमन टॉपिक शुरू करेंगे कल से, तो तब तक के लिए बाय।